नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है, तो हम आपको बताते हैं कि अरुण जेटली के जीवन, राजनीतिक जीवन का शुरुआत कैसे हुआ। वास्तविक तौर पर अरुण जेटली का राजनीतिक करियर तो उनके छात्र रहते ही शुरू हो गया था। दरअसल 1973 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में विद्यार्थी और युवा संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी ने अधिक से अधिक छात्रों को आंदोलन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई। जेपी ने जेटली को इस राष्ट्रीय समिति का संयोजक बनाया। आपातकाल के वक्त 19 महीने रहे नजरबंद जेटली वर्ष 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए थे। 1975 से 1977 तक देश में आपातकाल के दौरान उनको मीसा एक्ट के तहत 19 महीने तक नजरबंद रहना पड़ा। मीसा एक्ट हटने के बाद जेटली जनसंघ में शामिल हो गए। अटल ने कैबिनेट में शामिल उनको किया। 1991 में पहली बार जेटली भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी सदस्य बने 1991 में। इसके बाद वह काफी लंबे वक्त तक भाजपा के प्रवक्ता भी रहे। 1999 में एनडीए सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जेटली को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल भी किया था। अटल के कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कैबिनेट में जेटली को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा निर्गुण राज्य स्वतंत्र प्रभार विश्व व्यापार संगठन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी जेटली को सौंपी गई थी। 23 जुलाई 2000 को राम जेठमलानी ने अटल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी अटल ने जेटली को सौंप दी थी। राज्यसभा से शुरू हुआ संसद का सफर। वर्ष 2006 में जेटली पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। जून 2009 से वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। पार्टी में जेटली एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार से लेकर कई बड़ी जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाली। 2014 लोकसभा चुनाव में उनको अमृतसर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन तब उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे। मोदी कैबिनेट में उन्हें दो बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी जेटली की मेहनत और लगन को देखते हुए पीएम मोदी ने उन्हें सौंपी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्रालय की भी जो दो बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी। इस बीच जेटली को राज्यसभा से सांसद बनाया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका पद सुरक्षित हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में जेटली ने अहम भूमिका निभाई। मई 2014 में जेटली राज्यसभा के सदन के नेता बने। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बना दिया और तब से जेटली ने देश के वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। नोटबंदी से लेकर जीएसटी लागू करने में जेटली की भूमिका बहुत ही अहम रही। ऐसा रहा कानूनी करियर की। अगर कानूनी करियर की बात करें तो जेटली ने बतौर वकील भी खूब नाम कमाया। आपातकाल के बाद से ही वह वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने देश के कई हाईकोर्ट में अपनी तैयारी पूरी की और वर्ष 1990 में वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नियुक्त हुए। इस पद पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने वीपी सिंह ने 1989 में उन्हें देश का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया था। बोफोर्स घोटाले से जुड़ी जाँच की जरूरी कागजी कार्रवाई जेटली ने ही पूरी की थी। आडवाणी सिंधिया को भी करवा चुके हैं अदालत से बरी। अटल सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2004 में जेटली एक बार फिर वकालत के पेशे में आ गए। साथ ही वह भाजपा में विभिन्न उच्च पदों से जुड़े रहे। जेटली ने बतौर वकील शरद पवार, लालकृष्ण आडवाणी, माधवराव सिंधिया, बिरला परिवार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को अदालत से बरी करवाया। जेटली ने कानूनी और मौजूदा मामलों पर कई प्रकाशनों की रचना भी की है। तो कुछ ऐसा था अरुण जेटली का सियासी करियर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।